आज आपको बताने जा रहा हूँ मेरे POS सिस्टम के बारे में, जिसमें आता है मेरा POS, टच स्क्रीन प्रिंटर, ATM प्रिंटर है, कैश ड्रायर है, स्कैनर है, और इसके साथ आता है सॉफ्टवेयर, POS सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर है आपके किसी भी हर तरह के काम में काम आएगा, हर किसी तरह का स्टोर हो, किसी तरह का शॉप हो, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिंपली करना क्या है कि देखिए, ये आपका आ गया मेन डैशबोर्ड। इसमें आप सब कुछ देख सकते हैं कि कितना आपका सेल हो रहा है, क्या प्रॉफिट है, क्या कैसे है। आप इसमें अपना इन्वेंटरी डाल सकते हैं, अपना प्रोडक्ट डाल सकते हैं कि देखिए कितना सेल हुआ, कब किस दिन कितना सेल हुआ, सारा कुछ आप दे सकते हैं। और इसमें आप GST बिल भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आप प्रोडक्ट अपना डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्ट सैंपल डाला हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सारे मैंने सिंपल प्रोडक्ट डाले हैं यहाँ पे। अब इसमें देखिए, जब आप खोलेंगे इसको तो इसका सारा डिटेल आपको बार कोड भी बनाएगा, QR कोड बनाएगा आपका। देखिए आप कॉस्ट डाल सकते हैं इसमें, प्राइस डाल सकते हैं। प्राइस आपको विद टैक्स डालना है, विदाउट टैक्स डालना है आप डाल सकते हैं। टैक्स इंक्लूडेड है कि आप अलग से टैक्स बिल में इंक्लूड करना चाहते हैं, उस हिसाब से वो दोनों हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर सारा बिल में आप टैक्स डालना चाहते हैं, अलग से बिल डाल सकते हैं। अगर आप सिर्फ हर प्रोडक्ट का टैक्स इंक्लूड करके फिर डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर टैक्स आप डाल सकते हैं। आप प्रोडक्ट का इमेज डाल सकते हैं, सारा डिटेल्स डाल सकते हैं। अब देखिए ऐड प्रोडक्ट पे जाते हैं। देखिए प्रोडक्ट में ऐड में क्या क्या होता है, प्रोडक्ट टाइप क्या है आप डाल सकते हैं। और उसके बाद से आपको वेयर हाउस, अगर आपको कई वेयर हाउस हैं तो आप उस तरह का प्रोडक्ट कोड यहाँ पे डालना है, प्रोडक्ट का नाम डालना है। उसके बाद से आप इसमें ये बार कोड किस स्टाइल में आप बार कोड चाहते हैं, कौन सा स्टाइल आपको चाहिए बार कोड का, इसमें सारे ऑप्शन हैं। ब्रांड अगर है तो ब्रांड डाल सकते हैं, कैटेगरी में क्या कैटेगरी, या नया कैटेगरी भी बना सकते हैं इसमें, जो जो भी चाहें वो कैटेगरी बना सकते हैं। इसका सब कैटेगरी भी आसान है। प्रोडक्ट किस में है, यूनिट में है, आइटम पीस है, डजन है, इसमें भी डाल सकते हैं। देखिए उसके बाद से प्रोडक्ट का कास्ट डाल सकते हैं, प्रोडक्ट प्राइस डाल सकते हैं, कोई प्रमोशन हो तो वो भी डाल सकते हैं, टैक्स इसमें डाल सकते हैं, टैक्स क्या सा टैक्स है, VAT, GST, VAT आप टैक्स डाल सकते हैं। टैक्स मेथड आप एक्सक्लूसिव डालना चाहते हैं, इंक्लूसिव डालना चाहते हैं, उस हिसाब से इमेज आप प्रोडक्ट का डाल सकते हैं, सारा कुछ इसमें डाल सकते हैं इसमें, इस तरह से। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको अगर सेल करना हो, जैसे प्रॉपर GST बिल बनाना हो, आपको A4 पेपर पे पेन निकालना हो, तो इससे आप वो भी कर सकते हैं। जैसे आप कस्टमर का सारा कुछ डालना चाहते हैं, नेम हो, उसका नेम हो, उसका GST नंबर हो, सब कुछ डालना चाहते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। उसके लिए आपको पहले आपके कस्टमर को ऐड करना होगा। आप कस्टमर ऐड कर लेंगे, उसके बाद से आप उसके नाम से आप बिल बना सकते हैं। देखिए जाएंगे हम पीपल पे, उसके बाद से हम ऐड बिलर भी कर सकते हैं। जैसे ऐड बिलर में मैं बता देता हूँ, पहले ऐड बिलर में आप लोगो, हर जैसे आपका कई काउंटर है, कई ब्रांच है, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। कई ब्रा कंप्यूटर है तो आप ऐड यूज़र कर सकते हैं, ऐड बिलर कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कस्टमर है। यहाँ पे ऐड बिलर का, जैसे ऐड बिलर करेंगे तो कितने बिल बनाने वाले आपके स्टाफ हैं, कितना आपका सिस्टम है, उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ देखिए ऐड कस्टमर आ गया। ऐड कस्टमर में आप जाएंगे तो आपको देखिए सारा डिटेल आएगा कस्टमर का, जनरल कौन सा ग्रुप आप चाहते हैं, कंपनी नेम, GST नंबर, फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ आप डाल सकते हैं। एड्रेस वगैरह सब कुछ आप डाल के यहाँ से ऐड कस्टमर कर सकते हैं। सेल्स में यहाँ से जाएंगे सेल्स में, तो देखिए यहाँ कितना सेल्स हुआ है, यहाँ लिस्ट सेल में होगा। POS सेल कितना हुआ है, डायरेक्ट सेल, जैसे A4 पेपर पे जो GST के साथ सेल हुआ है उसके लिए अलग से है। और डिलीवरी में अगर जाना चाहते हैं कि आप डिलीवरी भी करते हैं, तो आप डिलीवरी भी डाल सकते हैं इसमें। और देखिए लिस्ट सेल में जब जाएंगे तो आप जैसे जो कस्टमर का नाम डाल दिए हैं,
देखिए यहाँ पे लिस्ट सेल आ गया, कब कब क्या क्या सेल हुआ है, यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद से देखिए या अब हो गया इतना। अब इसमें एक ऑप्शन भी है POS। देखिए मैं इस एड सेल के बारे में सेल बता देता हूँ। सेल पे जाएंगे, एड सेल पे जाएंगे, एड सेल में जाएंगे, देखिए आपका ये इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं, बिलर आपका, जैसे मैंने एक ही बिलर डाला है, आपका बिल कौन बना रहा है उस हिसाब से आप बिलर डाल सकते हैं। डेट है, वेयर हाउस आप डाल सकते हैं, कस्टमर का देखिए यहाँ पे आप जब खोलेंगे तो आप सर्च कर सकते, जो कस्टमर आपने ऐड किया है वो कस्टमर आपको यहाँ से सर्च करके आपका वो कस्टमर आ जाएगा। उसके बाद से आप आ जाएंगे प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट के लिए यहाँ देखिए या तो बार कोड यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं या तो आप बाई टाइपिंग भी डाल सकते हैं, इसमें दो तरह से है। यहाँ पे क्या डालेंगे तो पूरा प्रोडक्ट का लिस्ट खुल जाएगा। यहाँ पे GST आपको क्या डालना चाहते हैं, टैक्स कितना है, ऑर्डर डिस्काउंट देना है, शिपिंग क्या है, पेमेंट टर्म क्या है, सेल्स स्टेटस डालना चाहते हैं तो कंप्लीटेड है कि पेंडिंग है, अटैच डॉक्यूमेंट करना चाहिए तो अगर पेमेंट चेक से है क्या या कोई बिल है तो आप उसमें अटैच डॉक्यूमेंट ले आपको। इसके बाद जब भी आपको डिटेल देखना होगा आप इजीली सारा देख लेंगे। उसके बाद से आता है देख, ये तो हो गया A4 पेपर, जो प्रॉपर इनवाइस निकालते हैं A4 पेपर पे, GST बिल वाला ये। और दूसरा आ जाते हैं POS सिस्टम से, जो काउंटर हम आ गए हैं काउंटर सेल पे। तो काउंटर सेल पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने कैटेगरी डाली है काउंटर, ये आपको तीन प्रोडक्ट देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये आपका नाम, जैसे आप जो आपका नाम रहेगा ये कंपनी का बाई डिफॉल्ट रहता है काउंटर सेल में, POS है ये। देखिए यहाँ पे कैटेगरी डाली है मैंने, बहुत सारी कैटेगरियाँ डाली, जो भी कैटेगरी है आपके, जितने भी कैटेगरी हैं आपके प्रोडक्ट के डाल सकते हैं इसमें। और देखिए उसके बाद से यहाँ पे आप प्रोडक्ट स्कैन भी करके यहाँ से कर सकते हैं या टच करके भी डाल सकते हैं, दोनों तरह से। मैं आपको स्कैन करके फर्स्ट दिखाता हूँ। सपोज ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं इसको स्कैन करता हूँ, देखिए आपका प्रोडक्ट ये आ गया। दूसरा मैं चाहता हूँ कि या आप टच करके भी डाल सकते हैं। अगर आपको सपोज एक ही प्रोडक्ट कोई कई क्वांटिटी में, इजीली आप यहाँ पे टच करेंगे, यहाँ पे खुल जाएगा आपका, ओके करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, हो गया। अब आपको बिल कैसे देना है, पेमेंट पे जाएंगे, पेमेंट पे जाएंगे तो अब आपका आएगा कि ऑप्शन, यहाँ पर अगर क्विक ऑप्शन भी है, नहीं तो आपको जैसे टोटल पेमेंट है 4,000, यहाँ पे मान लीजिए मुझे वो उसने 5,000 दिया है। अब ये देखिए यहाँ पे तो कितना टोटल पेएबल 4,000, बैलेंस इतना हमको चेंज वापस करना है, तो अब हम सबमिट कर देंगे। ये आ गया आपका प्रिंट ऑप्शन, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ये आपका फर्स्ट टैब खुल गया और ये आपका प्रिंट निकल गया, देख सकते हैं प्रिंट। इसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। आपको अगर फिर से आप चेक करना चाहते हैं कोई प्रोडक्ट रिटर्न है, जैसे स्कैन करेंगे आप इसको बार कोड या QR कर, सारा डिटेल आ जाएगा आपका, इसका कंपनी का लोगो, नेम, GST नंबर, क्या प्रोडक्ट है, सारा कुछ डिटेल आपको इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों इसकी मैं सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये पूरा सेट भी आप ले सकते हैं, पूरा सेट भी आप ले सकते हैं, उसके साथ POS टच स्क्रीन सिस्टम आएगा विंडो का 15 इंच का, इसमें बैक इधर भी स्क्रीन है इसका, इसका अलग से मैंने वीडियो बनाया, देखना चाहते हैं तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक। प्राइस के लिए भी